ड्रोन सेक्टर से लड़ा गया। इसके अलावा आपकी जिस ड्रोन पर उपस्थित है वहां से उन पहाड़ियों की चंद एक चोटियां दिखाई देती हैं, जिन पर सन 1999 में पाकिस्तानी सेना ने धोखे से घुसपैठ की थी। आप किस रास्ते से आए हैं इसे नेशनल हाईवे के नाम से जाना जाता है। टाइगर हिल की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 16,700 फीट है। टाइगर हिल बाएं दूसरी नुकीली चोटी, नाम राइनो हॉर्न। राइनो हॉर्न बाएं एक हल्का गोलाकार टॉप, नाम 0.4875 को आज हम बत्रा टॉप के नाम से जानते हैं। आपके सामने तोलोलिंग पहाड़ पर घुसपैठ के करीब 100 सैनिक थे, जो उनके द्वारा की गई एक गहरी घुसपैठ थी। वहाँ से दुश्मन NH-1 पर प्रभावशाली फायर डाल रहा था। 2 जुलाई की रात दोनों ही बटालियनों ने भिन्न भिन्न दिशाओं से हमला शुरू किया। लक्ष्य कठिन था पर असंभव नहीं। इस उत्तान की लड़ाई के बाद अंत 11 जुलाई टाइगर हिल की चोटी पर फिर से तिरंगा लहराया गया। उनके अदम्य साहस को देखते हुए 18 ग्रेनेडियर को ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र और लेफ्टिनेंट बलवान सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। 0.4875 उसके आसपास की चोटियों को कब्जा करने की जिम्मेदारी तरफ जम्मू एंड कश्मीर राइफल 17-4 व 2 नागा को दी गई। तीनों ही बटालियनों ने 4 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक के लिए इस संघर्षपूर्ण मुकाबले में अलग अलग दिशाओं से हमला कर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस ऑपरेशन में 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा ने साहस का नया अध्याय लिखते हुए अपने प्राणों को देश के नाम निछावर कर दिया। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। जय हिंद। मैं राइफलमैन अमित सिंह और मैं राइफलमैन जीवन श्रेष्ठा 7 बटालियन 11 गोरखा राइफल भारतीय सेना की तरफ से आप सभी का इस कारगिल वॉर मेमोरियल में हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करते हैं। कारगिल युद्ध का एक बड़ा भाग